हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल लिविंग लाइफ विद सिंपल। सो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी टाइम से हमने पीछे जो व्लॉग्स थे वो नहीं डाले हैं। एक्चुअली हमारी फैमिली में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी जिसके कारण हमने व्लॉग्स शूट ही नहीं किए, तो अपलोड तो क्या ही करने थे। तो वो जो फैमिली में मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी उसके बारे में डिटेल में आपको मेरे हस्बैंड बताएंगे बाद में। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अब जो हमारी व्लॉगिंग है वो वैसे ही कंटिन्यू रहेगी जैसे पहले थी। और हमारे साथ मैंने देखा है कि काफ़ी सारे नए लोग भी जुड़ गए हैं, तो थैंक यू सो मच हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। और अब हमारी कंटिन्यूटी वैसे ही रहेगी और जो जो हमारे साथ चीज़ें होंगी वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस अब आप आगे हमारे व्लॉग्स को कंटिन्यू वॉच। हाँ जी, तो नमस्कार, आदाब और सॉरी, माजरत, माफ़ी कि इतने दिनों से आपके सामने नहीं आ पाए किसी वीडियो को लेकर। शिम्पी ने जैसा इस बात का जिक्र किया ही होगा कि हमारे घर में एक मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। तो हुआ यूं था कि कुछ 2 महीने पहले मेरे फादर साहब, मेरे पापा, मेरे डैडी, मैं डैडी कहता हूँ, तो मेरे डैडी ने मुझे कहा कि यार मुझे यहाँ पे कुछ पेनफुल सेंसेशन होती है। तो मुझे लगा कि कुछ कार्डिक रिलेटेड परेशानी होगी, कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट पे लेके भी गया। तो उन्होंने कहा नहीं, है तो वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले से चलते आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर एक बार उसी डॉक्टर ने, थोड़े टाइम बाद हम उसके पास दोबारा गए, उन्होंने कहा एक आप एक बार इसका FNAC टेस्ट करा के देख लीजिए, मुझे एक छोटी सी गांठ, एक लिम्फ दिख रहा है। तो ठीक है, फिर हम एक सर्जन के पास गए। फिर मैं जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक ऑन्को सर्जन से मिलना चाहिए इसके लिए, क्योंकि सर्जरी के इवेंचुअली बाद भी वो लोग यही करते हैं कि इसका FNAC एक छोटी सी सिरिंज अंदर घुसा कर उसका पानी लिया जाता है उस गांठ का, और उसे सैंपल के लिए भेज दिया जाता है कि वो क्या है। ज़्यादातर ये जांच कैंसर के लिए ही होती है। तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं सीधे ही किसी कैंसर के डॉक्टर के पास चला जाऊँ, कैंसर सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट जिसे बोला जाता है। तो फिर मैं उनके पास चला गया, BL कपूर में डॉक्टर डबास की टीम से मिला। उन्होंने कहा कि आप FNAC भी ना कराएं, क्योंकि FNAC के बाद भी आपको एक चीज़ करानी पड़ेगी, बायोप्सी, तो आप सीधा बायोप्सी ही कराएं। तो फिर मैंने बायोप्सी कराई और अनफॉर्चुनेटली उसमें पापा को CA ब्रेस्ट, यानी ब्रेस्ट में कैंसर, निप्पल के पास के एरिया, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, शायद मेडिकल टर्म्स में इसे ब्रेस्ट ही कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि इनको CA ब्रेस्ट है, तो और इसे जल्दी से जल्दी ऑपरेट करना होगा। तो फिर एक पेट स्कैन हुआ जिसके लिए हमें टाइम से क्या कहते हैं, जहाँ पे पेट स्कैन होता है वहाँ पे जाना था। फिर वो एक इंजेक्शन, एक डाई डालते हैं, वो पूरी बॉडी में चली जाती है, जस्ट इस चीज़ का पता करने के लिए कि जहाँ हमें दिख रहा है उसके अलावा भी कोई और गांठ या कोई ऐसी अननेचुरल चीज़ तो नहीं है जो कैंसर से रिलेटेड हो, कि कहीं वो फैल तो नहीं चुका, या लिम्फ नोड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। जो लोग पहले, जो परिवार इन चीज़ों से जूझ रहे हैं, वो जानते ही होंगे ये सारा प्रोसीजर। तो फिर हमने फटाफट बायोप्सी कराई जिसमें कैंसर मौजूद पाया गया। फिर उसके बाद हमने पेट स्कैन करवाया और उसमें भी पता लगा कि हाँ ये कैंसर ही है, लेकिन अभी शुरुआती दौर में है और अभी फैला नहीं है, थैंकफुली। तो बस फिर उसके बाद हमने फटाफट प्लान किया कि हम इसे सर्जरी कराएं इसकी। तो हमने फिर ये ब्रेस्ट की सर्जरी कराई, तो शायद उनका इतना सारा पार्ट रिमूव कर दिया गया और कल ही वो डिस्चार्ज हुए हैं। जो पार्ट रिमूव कर दिया गया है उसको भी बायोप्सी के लिए, टेस्ट के लिए बाहर भेज दिया गया है, ये पता लगाने के लिए कि वो किस ग्रेड का है, कितना एग्रेसिव है, क्योंकि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो दिनों के हिसाब से फैल जाते हैं और मतलब बचने का कोई चारा भी नहीं होता। तो डॉक्टर ने अभी शुरुआती दौर में यही कहा है कि ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो ज़रूरी प्रोटोकॉल की तरह चीज़ें चलती हैं, जो प्रोटोकॉल में होती हैं कि उनकी आगे जांच कराई जाएगी, तो वो करवाने चली, भेज दिया उन्होंने बायोप्सी, और उसकी रिपोर्ट भी मेरे ख्याल से 1 हफ्ते में आ जाएगी। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड के चीज़ें अच्छे की तरफ हों। बात लड़ाई की, हार और जीत की नहीं है, बात लड़ने की है कि हम इस बीमारी से कितनी अच्छी तरह लड़ते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को शांत रखना होता है, क्योंकि जब ये बीमारी का नाम सुना तो
मतलब पूरे परिवार में जिसे कहते हैं उदासी का माहौल, बट ऑब्वियस है, हो जाता है। बट मैंने अपने डैडी को देखा कि वो थोड़े से रिलैक्स थे, उन्होंने उस तरीके से चीज़ों को नहीं लिया, वो घबराए नहीं। और मैं बड़ा हैरान था कि अगर शायद मेरे साथ ऐसा होता तो मैं पैनिक कर जाता, मुझे एंग्जाइटी हो जाती। लेकिन डैडी ने इस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल किया खुद के साथ। और क्योंकि वो इतने कंफर्टेबल और इतने रिलैक्स थे, तो कुछ दिनों के बाद हम लोग भी रिलैक्स होने लगे। और फिर सर्जरी हो गई, कल उन्हें डिस्चार्ज करा के आया हूँ। अभी क्या कहते हैं, ठीक है, धीरे धीरे चलने को, कुछ एक्सरसाइजेस करने को डॉक्टर ने कहा है, फिज़िकल एक्सरसाइजेस। आज के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर सर्जरी के अगले दिन ही, ज़्यादातर सर्जरीज के बाद वो आपको चलने फिरने की हिदायत देते हैं। नॉट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, लेकिन बस हल्का फुल्का ही, कि मतलब हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज, चलना, वॉक करना और ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। तो आगे पहले शिम्पी ने मुझे बोला कि अच्छा नहीं लगता, हम लोग वीडियो बनाएंगे, घर में इतनी बड़ी चीज़ हो गई है, लोग कैसे जज करेंगे। तो बट मैं सोचता हूँ इसमें जजमेंट वाली कोई बात ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बोला, हार और जीत से परे चीज़ें हैं, हमें सिर्फ फोकस करना है कि हम अपनी लड़ाई कैसे करें, अपनी लड़ाई को प्लान करें, बिल्कुल नहीं घबराएं। बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है ही, हम उसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी मेहनत दे रहे हैं, हम अपनी सेवा कर रहे हैं, अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छे से पूरा करेंगे। और इस बीच हम अपना ब्लॉग भी कंटिन्यू करेंगे जैसा कि मैं चाहता हूँ। तो आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रे करें मेरे पापा के लिए। अच्छा, एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहूँगा कि मेरे पापा ने कभी स्मोकिंग नहीं करी, कभी कोई अल्कोहल ड्रिंकिंग और कुछ भी, मतलब जिसे कहते हैं कोई भी व्यसन, हिंदी में अगर मैं आप जाऊँ तो कोई भी किसी भी तरह का व्यसन या एडिक्शन किसी भी तरीके की नहीं थी उनको। बहुत एक्टिव, इनफैक्ट सुपर एक्टिव रहे, बहुत चलना फिरना और ये सारी चीज़ें हो गई। पर वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स वो थे जो स्मोकर्स थे या टबैको को डायरेक्ट मुंह में पॉप करते थे। तो तंबाकू से बचिए, स्मोकिंग को अवॉइड कीजिए। मैं ये गलती कर चुका हूँ अपने पास्ट में, लेकिन मुझे छोड़े हुए भी स्मोकिंग को आशा 3 या 4 साल हो गए हैं। वो एक अलग कहानी थी, वो किसी दिन फिर से बताऊंगा आपको। लेकिन अपना सपोर्ट देते रहिए, अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच। आप हमें कल से फिर से रेगुलर ब्लॉगिंग करते देखेंगे, हमें मुस्कुराते देखेंगे और हंसते हुए भी देखेंगे। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने पापा से बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, या हम उनकी फ़िक्र नहीं है, या हम उनकी चिंता नहीं करते। वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर हैं, हम चीज़ों को प्लान करके चल रहे हैं। और मैं समझता हूँ प्लान करने से चीज़ें ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा आसान लगती हैं। तो ठीक है, थैंक यू सो मच इतने दिनों, और अगेन वेरी सॉरी, क्षमा माजरत कि हम इतने दिन गायब रहे, डिसअपेयर्ड रहे। बट हम लगातार फिर से ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट करेंगे, और जो भी इस बीच की जर्नी होगी मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच। तो जी, यहाँ पर हमारे गप्पू जी भी उठ गए हैं और अब ये नहाने जाएंगे, है ना? नहाने जाओगे ना बेटू? हाँ। कब जाओगे? 1 मिनट। 1 मिनट में ही? हाँ। अच्छा ठीक है। और खाना खाओगे कि भूख नहीं लग रही? मम्मा, आपने ब्रेकफास्ट नहीं कर ली क्या? ब्रेकफास्ट मैंने आपके लिए बना दिया बेटू। तो आप मुझे खाना फोर खाना है। पहले आप ये नहीं पूछोगे कि मम्मा आपने क्या बनाया है? क्या बनाया है आपने? बताऊं? गैस करो पहले, क्या बनाया होगा? आलू का पराठा। क्योंकि मम्मा ने कल आपको प्रॉमिस किया था रात को, है ना? ये गप्पू लगा हुआ अपना एरोप्लेन पे जाने में। वाओ, देखो आपने कंप्लीट कर दिया, कितना अच्छा बनाया बेटू। ये क्या कर रहे हो, इसका माउथ बना रहे हो? अच्छा, ग्रीन कलर का माउथ है, ये मॉन्स्टर है क्या? ना प्यारा, ये तो आपने कलरफुल एरोप्लेन बना दिया। अच्छा इधर तो देखो, इधर तो देखो, इधर देखो, स्माइल कर दो, एक बार स्माइल कर दो अच्छे से, इधर देखो कैमरे में देखो। चलो बेटे आओ, आप सो जाते हैं, जल्दी आओ। मम्मा, एक बात का आंसर दे दो। कौन सी बात का? जब घर में फायर हो जाती है तो हम किसको बुलाते हैं? मुझे तो पता नहीं है, आप बता दो। पापा।
फायर इंजन को बुलाते हैं। अच्छा देख लो दिल्ली का मौसम, देखो कैसे हवाएं चल रही है, तेज वाली हवाएं चल रही है। और ये हो गई नीचे से बारिश भी, ये कैसे हवाएं चल रही है। आंधी आ रखी है, आंधी तो जी मैंने आपको अभी दिखाया कि बाहर आंधी आ रही है, इतनी तेज वाली आंधी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि मई चल रही है क्या है ये, जनवरी फरवरी तो नहीं चल रहा, इतना ठंडा मौसम हो गया, बाहर बारिश भी पड़कर हटी है। और हमें जाना है अभी राशन लेने के लिए, और इनके फ्रेंड आ रखे अंदर और उनका साथ में बेटा आ रखा है, तो बस वो लोग जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे राशन लेने के लिए। तो बस वेट कर रहे कि वो लोग जाए फिर हम जाए, क्योंकि बारिश का कुछ नहीं पता, कभी भी आ सकती है, और बंदे के मूड का कुछ नहीं पता, कभी भी चेंज हो सकता है। तो बस अब देखते हैं जैसा होगा पैसा। तो जी राशन का प्लान तो हो गया हमारा कैंसिल, क्योंकि जो इनके फ्रेंड थे वो थोड़ा लेट जाए तो रात हो गई है, अब लेके इन्होंने जाना तो ये कह रहे कल ही लेके आएंगे, तो बस अब गप्पू को लेकर निकले हैं थोड़ा हम ऐसे ही थोड़ा सा घुमाने बाहर, तो बस देखते कहाँ जाएंगे, राशन अब हमारा आएगा कल। कमला नगर मार्केट है जी, देख लो तो यहाँ पे मॉल है बना हुआ, बड़ा गोल चक्कर बोलते हैं, बड़ा गोल चक्कर इसे जी बड़ा गोल चक्कर कहते हैं, ये देख लो करवा चौथ वाले दिन यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो रखी होती है, बहुत अच्छा क्राउड और बहुत अच्छा क्राउड होता है, मतलब जगह नहीं मिलती आपको निकलने की, मिलेगी तो आपको कभी भी नहीं, यहाँ पे अभी भी थोड़ी बहुत ही मिल रही है, पर जैसे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो बहुत ज्यादा रश होता है, यहाँ पे मेहंदी वगैरह वाले बैठे हुए होते हैं। ये यहाँ की कोलापुरी मार्केट है, कमला नगर में ही मतलब एक लेन है उसको कोलापुरी लेन कहते हैं ना, कोलापुरी लेन है ये, कोलापुरी रोड, कोलापुर कोलापुर रोड, अच्छा कोलापुर रोड है ये यहाँ की। और जी मैं निकली हूँ जुत्तियों की खोज में, देखते हैं आज मुझे जुत्तियाँ मिल पाएंगी कि नहीं, तो ये पहुँच गए स्टार्टिंग में, ये ऐसे मोती वाली लूँ, हाँ ऐसे वाली नहीं, ऐसे वाली बेटे ये तो सिंपल सी है। तो जी मेरी जूतियों की खोज पूरी चालू थी, मैं सारी जगह जूतियाँ ढूंढ रही थी पर कहीं पर भी मुझे अच्छी जूतियाँ नहीं मिल रही थी, मतलब अच्छी अच्छी थी पर उनके प्राइजेस हद से ज़्यादा थे, 3,000-3,000 की जूतियाँ थी। अब जैसे ये कलरफुल, अब ये सब सूटों के साथ नहीं चलेगी, मुझे वो चाहिए था जो सब सूटों के साथ चल जाए। तो फाइनली मैंने ये वाली शॉप से अपनी जूतियाँ ले ली, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कौन सी जूती ली है। मैंने ये सिल्वर वाली ली है जो सब सूटों के साथ चलेगी। तो जूतियाँ मैंने ले ली थी और उसी खुशी में मैंने खाया पापड़ और किया अपने बचपन को याद, बचपन में पापड़ बहुत खाती थी मैं, पहले 2 रुपए के मिलते थे अब 5 रुपए के हो गए। और ये हमने लिए घर के लिए थोड़े बहुत फ्रूट्स, क्योंकि गलगप्पू को भी फ्रूट्स लेके जाने थे तो हमने फ्रूट्स ले लिए। हम आ गए हैं घर, कमला नगर से मैं ले आई हूँ अपने लिए जूतियाँ और फ्रूट्स, गए तो हम राशन लेने थे पर राशन लेना हो गया कैंसिल, तो अब हम आ गए घर, राशन लेने जाएंगे हम कल, तो हम आपको भी मिलेंगे अभी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।